प्ले स्टोर पर अगर रेसिंग गेम्स ढूंढने जाओगे तो भारी मात्रा में दुनिया भर के गेम्स मिलेंगे। अब वहाँ से कौन सा डाउनलोड करना है और किस पर अपना डेटा लगाना है, ये कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी को फिक्स करने के लिए तो मैंने आज की इस वीडियो को बनाया है, जहाँ पर मैं आप लोगों को 10 बिल्कुल ही नए वाले रेसिंग गेम्स बताने वाला हूँ, जिनमें से कुछ गेम्स तो काफी अंडररेटेड हैं, जिनके बारे में शायद ही आप में से किसी को पता होगा, और ज्यादातर गेम्स की ग्राफिक्स भी अच्छी है। तो सबके बारे में जानने के लिए देखिए इस वीडियो को एंड तक। अगर लग जाए अच्छी तो कर दीजिएगा लाइक, और फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करनी चाह ही रहा था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लिक हुआ, जो शायद आप लोगों के लिए जानना भी जरूरी है। जैसे कि जब भी हम लोग टॉप 10 की वीडियोस बनाते हैं, तो वहां पर उस टाइम के बेस्ट वाले गेम्स को कवर किया जाता है, ताकि ऑल टाइम के फैन फेवरेट गेम्स। उसके पीछे का रीजन है ताकि वीडियोस के अंदर बताए गए गेम्स रिपीटेटिव और बोरिंग ना लगे। लेकिन शायद कुछ लोगों को आप में से लगता है कि प्रतीक भाई इस कैटेगरी के अंदर ये वाला गेम बेस्ट है और आपने वीडियोस के अंदर तो बताया ही नहीं, और उसके पीछे का रीजन भी बहुत सिंपल है यारो, आप लोग उस गेम के बारे में ऑलरेडी जानते हो। लेकिन ऐसा हो सकता है फॉर सम रीजन कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स उस गेम के बारे में ना जानते हो, इसीलिए इस वीडियो के स्टार्ट में एक सेक्शन रखा है ऑनरेबल मेंशंस का, जहां पर आज तक के मोबाइल डिवाइसेस पर आए सबसे बेस्ट वाले रेसिंग गेम्स के बारे में बातें करने वाले हैं। आइए जानते हैं, जैसे कि नीड फॉर स्पीड मोबाइल, कार एक्सेस स्पीड, ड्राइव जोन ऑनलाइन और रेसिंग मास्टर, एस रेसर या फिर रैक फेस्ट, ग्रेट ऑटो स्पोर्ट या फिर रश रैली 3, इसी के साथ ही एस्पोर्ट 9, रियल रेसिंग 3 या फिर सभी का फेवरेट एब्सोल्यूटो रेसिंग। और इन सभी गेम्स के बारे में जानने के बाद चलिए फिर इस एक्चुअल वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं, जहां पर वीडियो का फर्स्ट गेम निकल करके आता है रैली होराइजन। ये वाला एक हाल ही में आया बिल्कुल ही नया ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम है, जिसका साइज रहेगा 350 MB। कम साइज है, गेम ऑफलाइन है, लेकिन फिर भी ये आप लोगों को फोर्ज़ा होराइजन जैसी सीरीज का रेसिंग एक्सपीरियंस मोबाइल डिवाइसेस पर देता है, जहां आप लोगों को बिल्कुल सेम कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन मिल जाएंगे, वही कार मॉडल नंबर्स मिलते हैं, वैसे ही लोकेशंस और मैप्स मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ डिफरेंट वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि आंधी तूफान और स्टॉर्म में आप लोग फुल स्पीड में अपनी गाड़ियों को ड्राइव करते हैं। रही बात ग्राफिक्स की, तो वो भी बहुत शानदार है। तो चलिए फिर अब से बात करते हैं वीडियो के सेकंड गेम की, जो कि है रेसिंग लेजेंड्स फजी। ये उस टाइप का रेसिंग गेम है जहां पर आप लोग को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही गेम मोड्स मिलते हैं। यहां गेम का साइज रहेगा 360 MB, यानी मल्टीप्लेयर विद फ्रेंड्स या फिर खुद का सोलो ऑफलाइन कैरियर मोड। और तो और इस गेम का हाइलाइटिंग फीचर है इसका कार कलेक्शन, वैरायटी ऑफ कार्स देखने के लिए मिल जाएंगे, फिर उन कार्स को आप लोग प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हो और कंट्रोलर का सपोर्ट मिल जाएगा। और रही बात वीडियो के थर्ड गेम की, तो वो है रियल ड्रिफ्ट रेसिंग 2। ये एक बिल्कुल ही नया अंडररेटेड रेसिंग गेम है, जहां पर मेन फोकस स्टंट्स और ड्रिफ्ट्स पर रखा गया है। हाँ, स्टंट से याद आया, वीडियो में आगे एक बहुत ही तगड़ा स्टंट बेस्ड गेम है, वो बताऊंगा। खैर, रही बात इस गेम की, तो यहाँ पर आप लोगों को फरारी वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में ड्राइव करने के लिए मिल जाएगी। गेम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स के साथ में आता है, जहाँ पर साइज रहेगा 500 MB। गेम का ड्रिफ्टिंग मैकेनिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं वीडियो के फोर्थ गेम की, जो कि है रेस मैक्स प्रो। ये वाला एक कंप्लीट रेसिंग गेम है, हाँ थोड़ा सा पॉपुलर भी है, जहाँ पर आप लोगों को 6 डिफरेंट डिफरेंट गेम मोड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट रेस, ड्रैग रेस, ड्रिफ्ट रेस और रियल लाइसेंस्ड कार्स मिल जाती है। जिन लोगों को नहीं पता, लाइसेंस कार्स मतलब एक्चुअल कार मॉडल्स मिलते हैं, जिनको यूज करने की राइट्स गेम डेवलपर्स के पास हैं। और तो और इस गेम की ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा शानदार है, जहां पर बीच बीच में सिनेमैटिक्स भी आते हैं, और वर्ल्ड की बड़ी प्यारी लोकेशंस मिल जाएंगी, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका से लेकर के वेस्ट कोस्ट तक, जहां पर गेम का साइज रहेगा 620 MB और गेम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में आएगा। और क्या आप लोगों को याद है, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से बोला था कि एक स्टंट वाला रेसिंग गेम बताऊंगा, और वो है वीडियो का फिफ्थ गेम कार क्रैश रेसिंग। ये रशियन डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया एक रेसिंग गेम है, लेकिन बाप रे बाप, इतने कम साइज पे, जी हाँ सिर्फ और सिर्फ 120 MB का गेम है, जो पूरी तरीके से ऑफलाइन है, लेकिन फिर भी गेम की जो ग्राफिक्स एंड विजुअल्स है वो बहुत ही शानदार है। गेम के अंदर आप लोगों को एक ट्रू ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, और उसी के बीच में ऑन द साइड नोट स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए मिल जाते हैं। एक तो कार क्रशिंग वाला स्टंट है, जहां पर कार को लेकर के आओगे और कार का चूरा चूरा बन जाएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, इस वीडियो के अंदर बताए गए सारे के सारे गेम्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रोटेक चैनल पर बताए गए गेम्स कहां पर मिलते हैं
protegames.com पर जाइए, डाउनलोड कीजिए। और रही बात वीडियो के सिक्स्थ गेम की, तो वो है ड्राइव RS। बहुत टाइम से आप लोग सुन रहे होंगे ओपन वर्ल्ड, ये गेम भी ओपन वर्ल्ड है, लेकिन एक ट्रू ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस क्या होता है रेसिंग जगत के अंदर, वो ये गेम आप लोगों को दिखाएगा, जहां पर आप लोग को एक बहुत ही बड़ा वास्ट ओपन वर्ल्ड मैप मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग ड्राइव कर सकते हैं और बीच बीच में रेसिंग इवेंट्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस गाड़ी चलाते जा रहे हैं और रेस करने के लिए मिल ही नहीं रही। साथ ही रही बात गेम के साइज की, तो वो है 550 MB। गेम ऑफलाइन रहेगा, जहां पर डे एंड नाइट का टाइम साइकिल आता है और वेदर भी चेंज होता रहेगा। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वीडियो के सेवंथ गेम की, जो कि है नन अदर देन विंडस्टॉर्म। अब हर एक गेम तो सभी डिवाइसेस के अंदर चल नहीं सकता, लेकिन ये वाला गेम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये ज्यादातर सभी डिवाइसेस के अंदर कंपैटिबल है। सिर्फ और सिर्फ 90 MB का गेम है, जो पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। लेकिन इतने कम साइज का होने के बावजूद भी ग्राफिक्स डिसेंट है। बहुत ही प्यारी वर्ल्ड की लोकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि हुआई, और वहां पर सुपर कार्स ड्राइव करने के लिए मिलती है। और एट गेम के बारे में बातें करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, कर दिया। रही बात एट गेम की, तो वो है कार्ड्स क्लब। अब ये वाला गेम अपने साथ में एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस लेकर के आता है, यानी कि हमारी पसंद की सुपर कार्स और स्पोर्ट्स कार को डेजर्ट्स में, रेगिस्तानी इलाके में या फिर जंगल के अंदर दौड़ाने का मौका मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों को रियलिस्टिक फिजिक्स का इम्प्लीमेंटेशन मिल जाता है। काफी बड़ा मैप मिलता है, गेम का साइज है 750 MB। गेम ऑफलाइन रहेगा, ढेर सारी कस्टमाइजेशंस हैं और ABS वगैरह चेंज करने का ऑप्शन भी है। और ये लीजिए यारो, देखते ही देखते हम लोग आ पहुंचे हैं हमारी वीडियो के सेकंड लास्ट गेम की तरफ, जो कि है नाइट्रो नेशन वर्ल्ड टूर। अभी तक के बताए गेम्स के अंदर या तो आप लोगों को प्रॉपर रेसिंग करने के लिए मिल रही थी या फिर ओपन वर्ल्ड कैजुअल ड्राइविंग, लेकिन इस गेम के अंदर आप लोगों को PVP ड्रैग रेसिंग करने के लिए मिलेगी, यानी कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर कॉम्बैट, जहां पर स्किल्स काम में आती है, जहां पर ग्राफिक्स भी अच्छी है और ढेर सारे कस्टमाइजेशंस मिलते हैं। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आई लिटरली मीन इट, यानी अपनी गाड़ी को जैसा चाहो वैसा बनाओ। रही बात साइज की, तो वो है 1.3 GB और गेम ऑनलाइन रहेगा। एंड एट लास्ट, चलिए बात करते हैं वीडियो के 10th एंड फाइनल गेम की। लेकिन उससे पहले, अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है, तो आप है चैनल के प्राइम मेंबर्स, और ऐसे प्राइम मेंबर ही आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, यानी कि वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रही बात 10th गेम की, तो वो है हार्ड रेसिंग। ये वाला एक थोड़ा कॉम्पिटेटिव रेसिंग गेम है, जहाँ पर आप लोगों को लेजेंडरी कार्स ड्राइव करने के लिए मिल जाती है। फुल स्पीड में आप लोग कार्स को ड्राइव कर रहे हो, 100 और 120 की स्पीड में चल रही है और सामने से क्रैश हो जाते हैं, बड़े बड़े धमाके आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही डिफरेंट डिफरेंट गेम मोड्स मिल जाएंगे। साइज रहेगा 350 MB का, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही गेम मोड्स के साथ में आता है। और गेम डेवलपर्स का तो ये कहना है कि उन्होंने ड्रिफ्ट मैकेनिक्स पर काफी ज्यादा मेहनत करी है, जो बिल्कुल रियलिस्टिक दुनिया जैसा रखा गया है। सो मेरे भाइयों, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो कर दीजिएगा लाइक, और फ्यूचर में ऐसी जेन्युइन वीडियोस और देखनी है तो जुड़ जाइए इस प्रोटेक फैमिली से। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए प्रोटेक। मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।